स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। तो सभी बच्चे अपनी अपनी हिंदी भाषा माधुरी की पुस्तक, एक रफ कॉपी और पेंसिल लेकर ध्यानपूर्वक इस सेशन को अटेंड करें। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका नाम है सोने की कुल्हाड़ी। तो चलिए सभी बच्चे अपनी पुस्तक का पेज नंबर 10 पाठ नंबर 2 सोने की कुल्हाड़ी निकाल लीजिए। सोने की कुल्हाड़ी। सोने मीन्स गोल्ड, कुल्हाड़ी मीन्स एक्स। कुल्हाड़ी की स्पेलिंग देखिए, क को छोटा उ, आधा ल, हा, ड को बड़ी ई, कुल्हाड़ी, यानी द गोल्डन एक्स। इस कहानी को पढ़ाने का हमारा उद्देश्य यह है कि ईमानदारी से हमें सभी कार्य करने चाहिए, क्योंकि ईमानदारी का फल मीठा होता है, यानी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बेटा, यह कहानी आपकी बुक में चित्र कथा के द्वारा बहुत रोचक ढंग से दी गई है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इसका सार सुनाती हूँ। किसी गांव में एक लकड़हारा रहता था। वह बहुत ही ईमानदार था। वह हर रोज नदी के किनारे लकड़ियां काटने जाता था। एक दिन वह नदी के किनारे लकड़ियां काट रहा था कि अचानक उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। वह उदास होकर नदी के किनारे बैठ गया। तभी वहां एक जलपरी प्रकट हुई। जलपरी ने लकड़हारे से उसकी उदासी का कारण पूछा। तब लकड़हारे ने बताया कि उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। तब जलपरी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी नदी से निकाल देती हूँ। इतना कहकर जलपरी ने नदी में डुबकी लगाई। तब कुछ देर बाद उसके हाथ में सोने की कुल्हाड़ी थी। उसने लकड़हारे से पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारे ने कहा, जी नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। तब जलपरी ने फिर से नदी में डुबकी लगाई। इस बार उसके हाथ में चांदी की कुल्हाड़ी थी। उसने फिर लकड़हारे से पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारे ने कहा, जी नहीं, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। इस बार फिर से जलपरी ने नदी में डुबकी लगाई और वह लकड़हारे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर निकली। लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी देखकर खुश हो गया और उसने जलपरी का धन्यवाद किया। जलपरी भी लकड़हारे की ईमानदारी से बहुत खुश हुई। उसने उसकी ईमानदारी से खुश होकर लकड़हारे को तीनों कुल्हाड़ियाँ दे दी। लकड़हारा खुशी खुशी अपने घर लौट गया। जब इस घटना का पता लकड़हारे को पड़ोसी को लगा, तो वह भी नदी के किनारे लकड़ियां काटने चल पड़ा। लेकिन वह बहुत ही बेईमान आदमी था। वह बहुत ही लालची था। उसने जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी नदी में गिरा दी और झूठ मूठ रोने लगा। इस बार भी जलपरी बाहर आई। उसने फिर से बेईमान लकड़हारे से उसकी उदासी का कारण पूछा। तो तब उसने बताया कि मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। मैं अभी तुम्हारी कुल्हाड़ी पानी में से निकाल देती हूँ। जलपरी ने पानी में डुबकी लगाई और सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर निकली। उसने बेईमान लकड़हारे से पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? बेईमान लकड़हारे ने कहा, जी हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। ये सब सुनकर जलपरी समझ गई कि वह लकड़हारा लालची आदमी है। उसने लकड़हारे को कोई भी कुल्हाड़ी नहीं दी और जल में समा गई। लकड़हारा काफी देर इंतजार करता रहा, लेकिन जलपरी वहां कभी भी वापस लौटकर नहीं आई। तो बेटा, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। तो चलिए बेटा, अब हम इसके कठिन शब्द करते हैं। आप मेरे साथ अपनी बुक में कठिन शब्दों को अंडरलाइन करते जाइए और ऊपर उसके मीनिंग्स लिखते जाइए। तो चलिए, फर्स्ट वर्ड है पाठ। पाठ यानी लेसन। संदेश, स के ऊपर अंग, द को एश, संदेश। संदेश यानी मैसेज।
ईमानदार, ईमानदार मीन्स ऑनेस्ट। बड़ी ई म को आन, द को आर, ईमानदार। लकड़हारा, लकड़हारा यानी वुड कटर। परिश्रमी, परिश्रमी मीन्स हार्ड वर्किंग। परिश्रमी की स्पेलिंग देखिए, प र को छोटी ई, श्र म को बड़ी ई, परिश्रमी। किनारे, किनारे यानी बैंक। नदी, नदी यानी रिवर। उदासी, उदासी मीन्स सैडनेस। जलपरी, जलपरी मीन्स मरमेड। डुबकी, डुबकी यानी डिप। चांदी, चांदी यानी सिल्वर। चा ऊपर चांद बिंदु, द को बड़ी ई, चांदी। धन्यवाद, धन्यवाद मीन्स थैंक यू। ध आधा न य व को आध, धन्यवाद। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। प्रसन्न, प्रसन्न मीन्स हैप्पी यानी खुश। प्रसन्न के स्पेलिंग देखिए, प के पैर में पदेन, स आधा न न, प्रसन्न। लालच ग्रीड। अदृश्य, अदृश्य मीन्स इनविजिबल यानी गायब हो जाना। अदृश्य की स्पेलिंग देखिए, अ द के पैर मेरी, आधा श य, अदृश्य। घटना इंसिडेंट। आंसू टीयर्स, आंसू की स्पेलिंग देखिए, बड़ा आ ऊपर चांद बिंदु, स को बड़ा उ, आंसू। पानी वॉटर। सोने गोल्ड। झूठ लाए, झूठ की स्पेलिंग देखिए, झ को बड़ा उ, ठ झूठ। लालची ग्रीडी। प्रतीक्षा वेट, प्रतीक्षा की स्पेलिंग देखिए, प के पैर में पदेन, त को बड़ी ई, क्ष को आ, प्रतीक्षा यानी इंतजार करना। तो चलिए अब हम इस लेसन की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्रस्तुत पाठ को एक चित्र कथा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस पाठ का संदेश यह है कि ईमानदार व्यक्ति को उसकी ईमानदारी का इनाम अवश्य मिलता है, यानी प्राइस जरूर मिलता है। किसी गांव में एक लकड़हारा रहता था। वह बहुत परिश्रमी और ईमानदार था। एक दिन वह नदी के किनारे एक पेड़ से लकड़ी काट रहा था कि उसकी कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर नदी के पानी में जा गिरी। लकड़हारा दुखी हो गया और वहीं नदी के किनारे पर अपना माथा पकड़कर बैठ गया। तभी एक जलपरी नदी के पानी से बाहर निकली और लकड़हारे से उसके उदासी का कारण पूछा। तो बेटा, लकड़हारा किसी गांव में रहता था। वह बहुत ही ईमानदार था और नदी के जल में से जलपरी बाहर आई। बच्चों, आपको एग्जाम्स में चित्र वर्णन भी आता है, यानी पिक्चर कॉम्प्रिहेंशन भी आता है। आपकी यह स्टोरी चित्रों द्वारा समझाई गई है। अगर आप इसकी रीडिंग अच्छे ढंग से करेंगे या इसको अच्छे ढंग से समझेंगे तो एग्जाम्स में आपको चित्र वर्णन करना इजी हो जाएगा। तो चलिए स्टोरी आगे बढ़ाते हैं। जलपरी ने लकड़हारे से पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो? तब लकड़हारे ने कहा, मेरी कुल्हाड़ी जिससे मेरी रोजी रोटी चलती है, रोजी रोटी मीन्स जिससे घर का गुजारा होता है, इस नदी में गिर गई है। तब जलपरी ने लकड़हारे से कहा, वे उसकी कुल्हाड़ी नदी से निकाल सकती है। जलपरी ने पानी में डुबकी लगाई और हाथ में एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर निकली। तो बच्चों, सबसे पहले जलपरी कौन सी कुल्हाड़ी लेकर निकली? सोने की कुल्हाड़ी लेकर निकली। तब जलपरी ने लकड़हारे से पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? तब लकड़हारे ने कहा, नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है।
जल परी ने फिर से नदी में डुबकी लगाई। इस बार उसके हाथ में चांदी की कुल्हाड़ी थी। जल परी ने फिर से लकड़हारे से पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारे ने कहा, नहीं, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। यह सुनकर जल परी ने एक बार फिर नदी में डुबकी लगाई और इस बार उसके हाथ में लकड़हारे की कुल्हाड़ी थी। उसने लकड़हारे से पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारे ने कहा, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बच्चों, आपने देखा कि लकड़हारा कितना ईमानदार था। उसने सोने और चांदी की कुल्हाड़ी लेने से मना कर दिया। जलपरी लकड़हारे की ईमानदारी से बहुत खुश हुई और लकड़हारे से बोली, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूँ। सोने और चांदी की कुल्हाड़ियाँ देखकर भी तुम्हारे मन में लालच नहीं आया। अब ये तीनों कुल्हाड़ियाँ तुम ही ले लो। तो बच्चों, देखो, लकड़हारे की ईमानदारी से खुश होकर उसको इनाम में जलपरी ने तीनों कुल्हाड़ियाँ दे दी। तीनों कुल्हाड़ियाँ लकड़हारे को देकर जलपरी अदृश्य हो गई, यानी पानी में गायब हो गई। लकड़हारा खुशी खुशी अपने घर लौट गया। इस घटना का पता लकड़हारे के पड़ोसी को भी चला, तो लालच में आकर वह भी लोहे की एक कुल्हाड़ी लेकर उसी पेड़ में लकड़ियाँ काटने लगा। उसने जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी नदी में गिरा दी। देखो, ये लकड़हारा कितना बेईमान है। उसने जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी नदी में गिरा दी और झूठ मूठ के आंसू बहाने लगा। इस बार भी जलपरी नदी से बाहर निकली और उस लकड़हारे से पूछा, क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो? लकड़हारे ने कहा, मैं पेड़ से लकड़ियां काट रहा था, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। तब जलपरी ने बेईमान लकड़हारे से कहा, दुख मत करो, मैं अभी तुम्हारी कुल्हाड़ी नदी से निकाल देती हूँ। तब लकड़हारे ने कहा, ठीक है, जल्दी आना, मैं यहाँ बैठा हूँ। जलपरी ने पानी में डुबकी लगाई और सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर निकली। जलपरी ने पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारे ने कहा, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। लाओ, मेरी कुल्हाड़ी मुझे दे दो। जलपरी समझ गई कि वह आदमी झूठ बोल रहा है। जलपरी उससे बोली, अच्छा, तुम्हारे पास सोने की कुल्हाड़ी है, फिर भी तुम लकड़ी काट कर बेचते हो। तुम झूठे और लालची आदमी हो। इतना कहकर जलपरी सोने की कुल्हाड़ी लेकर नदी के जल में समा गई और लालची लकड़हारा बहुत देर तक किनारे पर उसकी प्रतीक्षा करता रहा। आखिर में वह लकड़हारा थक हारकर अपने घर लौट गया। तो बच्चों, इस कहानी से आपने समझा कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। बच्चों, आप सबने इस स्टोरी को अच्छे तरह से रीड करना है, कठिन शब्दों को अपनी कॉपीज पे लिखना है और रिवाइज करना है। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।